कभी तुम्हें निराश किया है? मेरी माँ मुझे हर रोज कहती थी, ओ पैरी, मुझे तुम पर शर्म आती है। तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? वो अपना पेट शिकार करके भरता है। हाँ माँ, मुझे पता है, सारे जंगल को पता है। ओ मेरा सिर, तुम्हारे सर में दर्द तुम्हारी माँ की चिक चिक और अपने भाई से जलन की वजह से होता है। इसका इलाज करो अभी। ओ नहीं नहीं नहीं, चलो हम तुम्हारा इलाज फिर से शुरू करते हैं। कब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, उन्हें फख्र महसूस करवाना है। सब ठीक हो जाएगा। आज तक जितनों को भी खाया मजा बिल्कुल नहीं आया। जज्बात बह रहे, रहने दो, मुझे राहत तब मिलेगी जब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्योंकि हर शेर की मां चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर शिकार करे। सत्या गए शुरू की जहां हम डॉक्टर तुम्हें खत्म कर दूं, मुझे एक और कैदी का भी शिकार करना है। हार मान लो डूलिटल, होशियारी मत दिखाओ। ये क्या है? रुको, ये यहां पर है और अब यहां पर है, अब फिर से यहां पर है, पकड़ लिया, फिर से वहां चला गया, वो कहां गया? मैं इसे पकड़ लूंगा। बिल्ली आखिर बिल्ली ही होती है, चाहे वो शेर की खाल में हो। ये पैंतरे बंद करो डॉक्टर, नीचे आओ। ठीक है जेम्स, तुम्हें ये संदेश पहुंचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ नहीं, ये तो जेम्स है। आज के बाद कभी किसी के चक्कर पड़ूंगा। और तुम तो पहले से ज्यादा हरी भरी लग रही हो। क्या हुआ है जेम्स? हाँ संदेश, भूल गया, बच्चे को रसूली ने पकड़ लिया है और बैरी रास्ते में डूलिटल को खाने वाला है। लगता है आप किनारे पर जाना ही होगा। तुम लोग एक छोटा सा काम कर दो, वो बारूद लेकर आ जाओ। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अलग अलग जाना होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे। योशी, तुम उनका ध्यान रखना। उम्मीद है ये काफी होगा। तुम ठीक तो हो ना बॉली? कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो डॉक्टर। तुम्हें अपनी माँ की आंखों का तारा नहीं बनना? वो तो मैं बनने वाला हूँ।